हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज सुबह बन चुके हैं शाम के 4:30 और आदि ने यहाँ पर एल्बम निकाल के सारी फैला के रख दी है। तो एल्बम जब निकलती है तो बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और अच्छा भी लगता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, बहुत सारी फ़ोटोएँ होती हैं। जो तो मैं आज आपके साथ कुछ फ़ोटोएँ शेयर करती हूँ। ये मेरे मम्मी पापा की फ़ोटो है, जो कि उनकी जब शादी हुई होगी तो उसके बाद ये खिंचवाई होगी। ब्लैक एंड वाइट होती थी तब फ़ोटो है। मेरे मम्मी पापा हैं, ये देखिए, ये हमारे बचपन की फ़ोटो है। जब कभी हम छोटे छोटे थे तो तब हम ज्वाल्पा देवी गए थे, तो तब की फ़ोटो है। मैं और मेरे मम्मी पापा और मेरे दोनों भाई बहन हैं इसमें। और एक ये फ़ोटो है, इसमें हम सारे भाई बहन और ये मेरे मामा जी का लड़का और मेरे मामा की लड़की भी है। तो ये बचपन की यादें हैं, देखो कैसे मतलब दिखते थे हम और कितनी अच्छी यादें हैं ये। और मैं आपको अपनी सगाई की फ़ोटो दिखाती हूँ। मेरी सगाई में मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, वो तब आए नहीं थे। तो ये पापा जी ने मुझे अंगूठी पकड़ाई थी और इधर मेरी मम्मी है। ये है मेरी सगाई की फ़ोटो, मेरी है ये फ़ोटो, ये मेरी फ़ोटो है और ये मेरे पापा और पापा जी हैं, मतलब इधर ये ससुर जी हैं और ये मेरे पापा हैं। तो ये मेरी सगाई की फ़ोटो है जो आज की दिखी थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड क्यों नहीं आए थे सगाई में। तो चलो ये सब बातें रावत जी से ही पूछते हैं कि आखिर वो सगाई में क्यों नहीं आए। ये देखना, ये अंची की फ़ोटो है बचपन की। तो वॉकर में घूमती रहती थी वो। ये देखिए, ये सगाई वाले दिन ऐसे घूम रहे थे। और ये और भी फ़ोटो हैं, बिल्कुल हीरो बनकर घूम रहे थे सगाई वाले दिन और वहाँ सगाई हो रही थी इनकी। ये देखना, तो ऐसे ही फ्रेंड्स लोगों के साथ गए थे और ये बहुत सारी फ़ोटोएं खिंचाने का भी शौक़ था इनको। और ये देखिए, बहुत सारी फ़ोटोएं खिंचवा रखी हैं। तो अब ना रावत जी से पूछते हैं कि अपनी सगाई में ही क्यों नहीं आए, क्या हमें इनको पसंद नहीं थी, क्या ये मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, क्या इनकी सगाई ज़बरदस्ती की जा रही थी। तो इन सब का जवाब देंगे अब रावत जी। नहीं, मैं शादी में सगाई में ज़रूर जाना चाहता था, लेकिन पर मेरा अचानक से उसी उससे जिस दिन सगाई के लिए मुझे जाना था उससे एक दिन पहले मेरा सब जाने का प्रोग्राम हो रखा था बाबा बर्फानी अमरनाथ के यहाँ। तो जहाँ हमारे भोलेनाथ विराजमान हैं और बहुत महानता है उस शिवलिंग की, तो मेरा वहाँ जाना का पूरा प्लान था। तो हमने पहले से ही हमने मेडिकल और रिजर्वेशन करा रखे थे, तो इसी वजह से फिर अचानक से मेरे को कल जाना था और मुझे एक दिन पहले पापा ने बोला कि परसों हमने सगाई में जाना है। तो फिर मैंने कहा पापा ऐसी ऐसी बात है, मैं तो वहाँ जा रहा था और अगर कैंसिल करके या पोस्टपोन कर सकते हैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम को, डिले कर सकते हैं तो सगाई को अगर थोड़ा डिले कर सकते हैं तो एक बार पूछ लो। कह रहे ऐसा थोड़ी होता है, दिन करके मतलब करे होते हैं तो उसी टाइम पे सगाई होती है, ऐसा होता है। मैं कहा अच्छा, फिर मैं कहा मेरा उधर का, मैंने वहाँ पैसे भी दे रखे हैं और सब कुछ है। तो फिर अचानक से मेरा ध्यान आया, मैं कहा चलो भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही तो लड़की मिली थी। तो मैं कंफ्यूज था, मैं कहा अगर मैं नहीं जाऊँगा तो भगवान भोलेनाथ कहीं नाराज ना हो जाए। तो मैं गई। फिर मैं सोच रहा भगवान भोले के पास जाऊँ कि इधर अपनी होने वाली वाइफ के पास जाऊँ सगाई के लिए। फिर मैं कहा भोलेनाथ के पास ही चलते हैं। और फिर मैं अचानक अगले दिन सारा सामान पैक करके भोलेनाथ जी के पास निकल लिया, जय हर भोले हर हर भोले करके हम लोग अमरनाथ चले गए। फिर वहाँ से मैंने फ़ोन किया था रास्ते में, मैं कहा कि आज ऐसी ऐसी बात है, वहाँ मेरे सब भैया और पापा ताऊ जी चाचा जी और सब गए हुए थे। तो मैंने फोन किया था जब जिस दिन सगाई हमारी थी 24 जून को, इस 24 तारीख को, इस 24 जून को हमारी सगाई को 12 साल पूरे हो गए हैं। और उस 24 तारीख को जब ये मतलब वहाँ चले गए थे अमरनाथ में, 2-3 दिन हो गए थे शायद इन्हें वहाँ गए हुए।
और जिस दिन हमारी सगाई थी तो तब ताऊ जी के लड़के हैं इनके, तो उनके फोन पर कॉल आया था इनका और तब इन्होंने मुझसे भी बात की थी। बिल्कुल ऐसा हुआ था, तो इस कारण ये अपनी सगाई में नहीं आ पाए। और मेरा देवर भी बड़ा हंस रहा था, कह रहा था कैसी सगाई हुई है ये, कि मतलब बिना लड़के के ही सगाई हो गई, क्योंकि उसे अजीब लग रहा था। पर जैसे कि पहले होता था ऐसे कि पहले बहुत सारी मतलब हो जाता था ऐसे कि सगाई हो जाती थी बिना, पर ये देखने आए थे, देखने ये आए थे 8 जून को, कोटदार में ही हम आए थे, हम भी कोटदार आ गए थे और ये भी कोटदार हमारे मामा के घर में, और वहाँ पर बातचीत हो गई थी, तो मतलब रिश्ता पक्का हो गया था। तब सगाई का दिन फिक्स किया था 24 जून को, और फिर इन्होंने मतलब ये जब अमरनाथ यात्रा के लिए जाना होता है तो पहले ही रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लेते हैं, और फ्रेंड के साथ, फ्रेंड्स जो भी लोग इनके लोग मतलब फ्रेंड्स लोग जा रहे थे तो उनके साथ रिजर्वेशन मतलब वो सारी टिकट वगैरह करती थी ट्रैवलिंग के लिए, और जो भी था मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो इनको इन्होंने मतलब भोलेनाथ जी को चुना, सही बात है, अच्छी बात है, भोले से ही हम सब हैं, है कि नहीं। तो आज भोलेनाथ की वजह से ही आज मेरा परिवार है, अच्छा बना है, राजी खुशी है सारे। और फिर इनको एक बात और थी, चलो घूम लेता हूँ जहाँ शादी हुई तो उसके बाद तो कहीं जाना नहीं होगा। सही बात है, सही बात है, मैं भी यही उस समय सोचा था मैंने एक बार, मैं कहा अच्छा हुआ मैं आ गया, शायद शादी के बाद क्या पता मुझे वाकई में उधर जाने का मौका ना मिले। उसके बाद वाकई में चांस बना भी नहीं। उससे पहले गए थे? हाँ उससे पहले भी गया था मैं, उससे पहले ही जाते रहते थे। और अब मतलब ये अब शादी के बाद बहुत सारी जगह गए हैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमने, पर हमें नहीं ले गए। अब जाएंगे अब सोच रहा था कि इनको लेके जाता, फैमिली को लेके एक बार पूरे उत्तराखंड का ट्रिप का मूड था मेरा। हमारे उत्तराखंड का तो सच कहें मैं खुद मना करती हूँ, क्योंकि हमारी हालत खराब हो जाती है, आदि, अंशी और मैं तीनों वॉमिटिंग करते हैं, और मुझे अपने आप को उनको भी देखना होता है, तो हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। तो मैं ये कहती हूँ जहाँ भी जाना है ट्रेन का, जहाँ पे होगा सफर सिर्फ ट्रेन का वहाँ चलेंगे। तो बन रहा था हमारा प्लान, पर ये लॉकडाउन हो गया तो उसके कारण फिर अभी छोटे बच्चे हैं तो जाना कहीं पॉसिबल सही नहीं है, वरना मैं सोच रहा था कि अगर, लेकिन दिक्कत मेरे साथ यही आती है कि ट्रेन में ना फिर कहीं भी जाओ तो पहले सामान भी है, बच्चे भी, हर चीज को मतलब कैरी करना, उनको संभालना तो बड़ा मुश्किल होता ही है। कि ट्रेन से ये होता है कि जहाँ पर हमने रुके फिर वहाँ से भी आगे जाना है, कहीं भी घूमना है, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। और गाड़ी से ये कि जहाँ मर्जी जाओ अपनी गाड़ी है निकल लो, पर वही चक्कर है कि हम सबको वॉमिटिंग होती है तो दिक्कत हो जाती है, हमारी हालत खराब हो जाती है, तो सोचते हैं इससे अच्छा क्यों आए होंगे। एक बार हम चकराता चले गए तो वहां जाके अंशी ने इतनी ज्यादा वॉमिटिंग की, इतनी ज्यादा कि हमने सोचा क्यों आ गए हम। तो दिक्कत होती है, थोड़ा जरा बच्चे बड़े हो जाएं तो जरूर जाएंगे घूमने भी। सही बात है, तो मेन बच्चे छोटे हैं और ये सब लोग उल्टी करते हैं, तीनों के तीनों उल्टी करते हैं, तो मेरे को ये देख के होता है कि अब इनकी उल्टी के चक्कर में मुझे बार बार ब्रेक मार के गाड़ी साइड लगानी पड़ती है, सफर डिले होता है, और अलग से आपको पता ही है फिर खर्चे, परेशानियाँ ज्यादा होती हैं। तो ये है कि बस, तो मेन तो ये था कि मुझे आपको बताना था कि ये सगाई में क्यों नहीं आए, तो ये स्टोरी मैंने आज आपको बता दी है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर भी कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय 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 बाय।